माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी लव मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, घर वाले नहीं मान रहे, या आपका पार्टनर अब पीछे हट गया है, या कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लव मैरिज में, तो आज जो आपको मंत्र बताऊंगी वो स्पेशली लव मैरिज के लिए ही है। उस मंत्र का डेली जाप करने से बहुत जल्दी आपकी लव मैरिज के योग बनेंगे। अगर कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं भी हैं तब भी आपके लव मैरिज के योग बनेंगे, और बहुत प्रबल योग बनेंगे। बहुत जल्दी आपकी बात बन जाएगी, पेरेंट्स मान जाएंगे, आपस में फैमिलीज़ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके घर में झगड़े हैं, मैरिड हो आप, आपके घर में झगड़े चल रहे हैं, तो झगड़े होने भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अरेंज मैरिज भी नहीं हो रही है, तो आपकी बेटी के लिए बहुत जल्दी अच्छे रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एज निकली जा रही है और आपको टेंशन रहती है कि बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, रिश्ते मिलते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते, या फिर अच्छे मिलते हैं तो बात नहीं बनती, बनते बनते बिगड़ जाती है, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो ये मंत्र मैरिज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जो डाइवोर्सी है, दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा घर बसाना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं फिर से प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, फर्स्ट मैरिज में जो भी उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, अब दोबारा वो प्रॉब्लम्स ना आए, तो अगर आप दोबारा शादी करना चाहते हो, डाइवोर्स हो चुका है, इस बार आपकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी, बहुत अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और डाइवोर्स की दोबारा नौबत नहीं आएगी। कौन सा मंत्र है ये जो इतने सारे बेनिफिट्स देता है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा ही चमत्कारी मंत्र है, और जिन्होंने भी इसको किया है बहुत जल्दी उनकी शादी हुई है। जो भी चीज़ आप माइंड में रख के इसका जाप करोगे, शादी करने के लिए, झगड़े सॉल्व करने के लिए हस्बैंड वाइफ के, या दूसरी शादी करना चाहते हो डाइवोर्स के बाद, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वो मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ये चमत्कारी मंत्र बहुत जल्दी लव मैरिज कराता है। जिस दिन से इसका आप जाप स्टार्ट करोगे, उसी दिन से आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। थर्सडे से आपने इसको स्टार्ट करना है, पीले रंग के कपड़े पहन के करेंगे, हल्दी की माला से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। पीले रंग के कपड़े पहन के हल्दी की माला से जाप करना है, और मंत्र जाप से पहले नहाएंगे अगर, पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के, एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल के नहा के फिर इस मंत्र का जाप करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके शादी के योग बनेंगे, और जिसके साथ शादी करना चाहते हो उसके साथ शादी होगी। चाहे अगर आपका पार्टनर नखरे कर रहा है, नहीं मान रहा है, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एक काम करना है, ये मंत्र तो थर्सडे से स्टार्ट करना है, आपने डेली करना है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ठीक है, डेली इसका जाप करना है, और हर मंडे को, हर सोमवार को आपने माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करके आना है, जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ठीक है, बिंदी, ये सारी चीज़ें, श्रृंगार का सामान, जो सुहागन के श्रृंगार का सामान होता है, सिंदूर वगैरह, मेहंदी, ये सारी चीज़ें आपने अर्पित करके आनी है हर मंडे को माता पार्वती को। और जब आप अर्पित करने जाएंगे, वहाँ बैठ के आपने माता पार्वती से भी यही प्रार्थना करनी है, जिनके साथ भी आप शादी करना चाहते हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको आपने उनका नाम बोलना है कि उनके साथ मेरी शादी हो रही है, और आपने विजुलाइज़ करना है कि जैसे उनकी उनके साथ आपकी शादी हो रही है, और सारी रुकावटें दूर हो रही हैं, माता पार्वती और भगवान शिव सारी रुकावटें दूर कर रहे हैं। जब श्रृंगार का सामान आप अर्पित करने जाएंगे, तो शिवलिंग पे आप अभिषेक ज़रूर करके आएँ, जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करके आएँ, ठीक है। पहले शिवलिंग का अभिषेक करें, उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, और अगर केसर मिक्स कर लेंगे, जब जल अर्पित करेंगे उसमें थोड़ा सा केसर मिक्स करके करेंगे, तो बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। महादेव और माता पार्वती बहुत जल्दी आपको आपका मनचाहा जीवन साथी देंगे, जैसा आप जीवन साथी चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर आपका पार्टनर है जिसके साथ आप घर बसाना चाहते हो, उनके साथ आपका घर बसेगा। जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके महादेव को प्राप्त किया था, वैसे ही आप अपने जीवन साथी को पालोगे, ठीक है। थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है,
ठीक है, और ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जाप थर्सडे से स्टार्ट करके डेली करना है। मॉर्निंग में करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थर्सडे को नहा के एक चुटकी हल्दी पानी में मिक्स करके नहा के और फिर करना है, ठीक है। डेली हल्दी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थर्सडे को आप हल्दी वाले पानी से नहाएं, और इससे ये होगा कि बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे, बहुत जल्दी भगवान आपके हाथ पीले करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप करके देखो। लव मैरिज के लिए और मैरिज के लिए, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे डिवोर्स के बाद मैरिज हो, रिश्ते देख रहे हो बात नहीं बन रही, हर प्रॉब्लम शादी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम ये मंत्र सॉल्व करता है। और भगवान शिव और माता पार्वती, श्रृंगार का सामान आप अर्पित करोगे, जलाभिषेक करोगे तो वो भी आपकी बहुत जल्दी प्रार्थना सुन लेंगे, ठीक है। इधर नारायण भगवान और माता लक्ष्मी, उधर महादेव और माता पार्वती, सिर्फ आपकी लव मैरिज, जिससे भी आप शादी करना चाहते हो उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिनको भी ये बताया है विद इन 2-3 मंथ्स उनकी शादी हो गई है, बात तो पक्की हो गई, शादी भी हो गई है विद इन 2-3 मंथ्स, इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। बड़ी से बड़ी रुकावटें दूर हो गई हैं इसको करने से, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप ये स्टार्ट कर दीजिए, कल मंडे है, कल से आप श्रृंगार का सामान अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए, और थर्सडे से ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी, ठीक है। ये स्टार्ट करिए, और इसके अलावा और भी आगे वीडियोस बनाऊंगी, और भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताऊंगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस लव लाइफ से रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए आज मैंने आपको लव मैरिज वाला ये सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट उपाय और सबसे बेस्ट मंत्र बताया आपको लव मैरिज के लिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।